आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं कमलेश कुमार। इस वक्त मोहम्मदाबाद गोहाना 355 विधानसभा में आ चुके हैं, जो चुनावी बिगुल बज चुका है और जानते हैं 2022 में जनता की क्या राय है। और चाचा क्या नाम है? मेरा नाम गुफरान अहमद है, वोटर लिस्ट में और आधार पे मैं हाफिज हूं। और मुझको सियासत से जानकारी नहीं है और मैं न रेडियो पर खबर सुनता हूँ, न मोबाइल पे खबर सुनता हूँ, न टेलीविज़न की खबर सुनता हूँ। जनता की बात जो है वो सुन लेता हूँ। तो मुझको तो अच्छा और बेहतर है कि मैं सपा को वोट दूंगा और उसी को हर हाल में दूंगा। 2022 में आखिर किसकी सरकार चाहते हैं? सपा की, अखिलेश यादव की सरकार हम चाहते हैं। यहाँ के श्रीराम सुन कर रहे हैं 5 साल। हाँ ठीक है, ये विकास कार्य किया और कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मुबारकपुर का बस अड्डा आप देख लीजिए, अखिलेश यादव ने उसको बनवा के कंप्लीट वहाँ पे छोड़ा है। उसको आज तक ये योगी आदित्यनाथ ने उसको बनवाया तक नहीं है, चालू नहीं किया है। सिर्फ चालू करना, उद्घाटन करना है, इसको तो अपनी तस्वीर लगानी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको बनवाया लेकिन इन्होंने उसको चालू तक नहीं किया, सिर्फ चालू करना है। सरकार तो विकास की कार्य बहुत काफी गिना रही है, कौन श्री राम सुनकर यहाँ आने वाले हैं, श्री राम सुनकर कितना काम कर चुके हैं? मैं तो जानता हूँ कि कुछ भी नहीं किए हैं, बतला दे कोई एक काम। इतनी जनता है कि श्री राम सुनकर ने कोई काम किया हो खैराबाद में या अतरारी में, कोई काम नहीं किया है। यहाँ जो श्री राम सुनकर को फिर टिकट मिलता है तो किस नजरिए से उनको आप देखेंगे? मैं तो कह दिया ना कि किसी को मिलेगा, हमको सपा को वोट देना है। इस बार सपा सरकार? हाँ, सपा सरकार हम बनवाएंगे और जितना कोशिश होगी उतना करेंगे। अगर कुछ युवा भी कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ मऊ बचाओ दिया जाता है, इस पे क्या विचार रहेगा? नहीं नहीं, हमारा नजरिया ये नहीं है कि बाहरी को भगाओ और अंदर खिलाओ, ये सब बात नहीं है। चाहे वो मऊ जिला का हो या आजमगढ़ जिला का, हमको सपा को देखना है। जो सपा का उम्मीदवार होगा उसी को हम वोट देंगे, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी की विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ के श्रीराम सुन कर रहे हैं और ना विकास दिख रहा है, और विकास की बात कर रहे हैं आप, पूरा उत्तर प्रदेश विकास हो रहा है। इस वक्त हम विधानसभा मोहम्मदाबाद 355 पे हैं और 355 की बात कर रहे हैं। बीजेपी के यहाँ विकास विधायक श्रीराम सुनकर हैं, कोई विकास नहीं दिख रहा है, विकास पे बताइए। विकास की गंगा बह रही है यहाँ, पूरा मोहम्मदाबाद, पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तर की सरकार कर रही है। सिर्फ 5 ही विकास दिया, सारे लोग एकदम लगे हुए हैं जनता के हित में। और सपा बहुजन कांग्रेस 2022 में नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये विकास कौन करेगा, डबल इंजन की सरकार करेगी। केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए भाजपा की सरकार विकास करेगी उत्तर प्रदेश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, पूरे भारत में रोशनी आ गई है, किसानों को सम्मान मिला है, गरीबों को सम्मान मिल रहा है, मुसलमान भाई पूरे भारत के खुश हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाई खुश हैं, भाजपा के हित में वोट देंगे। मंदिर बन गया, बन रहा है, पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, अमन चैन से लोग रह रहे हैं, लोग सभी लोग यही चाह रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, माननीय आदित्यनाथ योगी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश की। बात कर रहे हैं, श्रीराम सुनकर ने कोई विकास नहीं मोहम्मदाबाद में किया और विकास की विकास ही बात कर रहे हैं। मोहम्मदाबाद और पूरा उत्तर प्रदेश विकास तेजी से हुआ है और हो रहा है, 2017 और राशन फ्री में मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है। मोदी जी भगवान के अवतार हैं, विश्व गुरु हैं,
जय हिंद जय भारत। मेरा नाम जनार्दन यादव है। क्या 5 किलो राशन और मिलने से क्या आप जी जाएंगे? हम नहीं जी पाएंगे तो मगर लोग जी खा रहे हैं। इसका मतलब 2022 में किसी से जाएंगे? अब किसी की भी सरकार हो, हम इसके लिए तो हम नहीं बताएंगे कि इनकी सरकार हो, ये तो वक्त बताता है कि किसकी सरकार होगी। अरे 2022 में तो होगा विकास का, विकास के लिए आएगा तो सभी विकास के लिए करने के लिए आदमी तैयार है। हम सुनकर यहाँ के विधायक हैं और विधानसभा में क्षेत्र में जहाँ पर वो विकास किए होंगे वहाँ पर, मगर यहाँ पर करा के अंदर में विकास नहीं किए हैं। अब इसके लिए आगे क्या बताइए? अपना नाम बताइए। रामसुख, रामसुख। 22 में किसको चाहते हैं? 2022 में किसको बताएंगे? ये तो सारी बता ही दिए, तो अखिलेश यादव को बता दो, बता ही दिए हैं। लेकिन भाजपा नहीं आनी चाहिए, भाजपा नहीं आनी चाहिए। भाजपा से इतना नाराज क्यों है? अरे नाराज क्यों नहीं, ये बदल देगी, सारी चीज़ बदल दे रही है भाजपा, सारी चीज़ें बदल दे रही है। अब तो यहाँ तक कि हमको ठाकुर बाबनों के यहाँ जाना पड़ रहा मजदूरी करने के लिए, है ना? सही कह रहे हैं। 2000 यहाँ के श्रीराम सोनकर तो विधायक, अरे कभी नहीं आया हो गाँव में, कभी आया ही नहीं है वो ना। उसकी शक्ल देखिए, हमसे बड़े थोड़े हो, अब आपके पिता की उम्र के हैं मैं, है कि नहीं है? देख लो, किसी को मिला लो, कभी नहीं आया यहाँ श्रीराम सोनकर। अब तो श्रीराम सोनकर चुनाव में आ रहे हैं। हाँ तो बस जाए श्रीराम सोनकर, भाजपा में आ रहा है ना, हाँ तो ले लो। क्या नाम है भैया? सूरज नाम है सर। 2022 में किसको चाहते हैं? अखिलेश सरकार चाह रहे हैं सर। अखिलेश सरकार में क्या दिखे और क्या खासियत है? बस यही है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो रही है, हम लोग का नौकरी चाकरी बम्बई दिल्ली जाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं सर। अभी तो फिर ओमिक्रॉन का लहर आ चुका है और इसमें अरे बहुत लोग प्रदेश में बहुत लोग चल रहे हैं, मगर हम लोग छोटे परिवार के रहने वाले हैं, सरकार बदल जाए तो सही है। क्या नाम है चाचा? धर्मदेव। 2022 में किसको चाहते हैं? ए साहब ऐसा है ना, ऐसा ना कि का ना उनका है जोगी, अपने गैया के खिलाओ ना घरवा में, और गैया जनता को भगवा देना ना। आप सोचल जा तो वह कहते हैं कि साहब वो ठीक है रहा है ना रहा, उनका बाद ना वोट देखे मन कर देखे दे हर गए। 2022 में केकर सरकार बनावल चाहते, के ताज पहनवावल चाहते, सपा के चाहते हैं कि बीजेपी के चाहते हैं कि कांग्रेस के चाहते हैं कि बीएसपी के चाहते हैं? अरे रुका रुका सोरा, आपके आप कहना बतियाओ के आप पूछल जा रहा, आप पत्रकार हो तो हम कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि हम केहू ओके छोड़ के दूसर बन जाता और बढ़िया है। के के आखिर चाहत है आपके मानसिकता वही कुछ हो के ना कहां केकर सरकार पसंद हुई? बोला आम बतावा हैं, बोला आम केकर सरकार चाहत है। मैं मायावती सरकार बन जाता सबसे बढ़िया है। मायावती सरकार से आप खुश हैं? सबसे हां उससे खुश हैं। कहां है कि उस सबके शासन लगाओ एक तार हैं, आए जाओ ना कलेश जाओ ना मुसलमान के रुख कब्रिस्तान बनवा देना तो मुसलमान संगे हुआ हुआ। मेरा घर नवादा ग्राम सभा से पड़ेगा। इस बार 2022 में किसी तरह से इस बार पूरी बहुमत से 400 से अनुमान बताया जा रहा है, 400 में प्लस 400 प्लस ही रहेगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी फिलहाल में अभी 2-4 घंटे पहले ही आप देखे हैं खुला चैलेंज हो गया है माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि अगर योगी जी भी हमारी पार्टी में तो उनके लिए भी सरल है। आप ममिस्ता तो बदलने वाले हैं, आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भी है उसको भी अभी हटाने की लोग बात कर रहे हैं भाजपा सरकार। अगर देख लीजिए आप जो रोड आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये रोड माननीय बैनाथ पासवान विधायक जी के कार्यक्रमों द्वारा बना हुआ है, इस रोड को समाजवादी पार्टी ही ने बनवाई है। आप देख लीजिए जो लाइन का तार गया है माननीय बैनाथ पासवान के सहयोग से बना है रोड, और हमारा ग्राम सभा नवादा दरौरा बतड़ी मापुर, महापुर में देख लीजिए छोटा सा ही कहा जाता है महापुर विधान महापुर ग्राम सभा को, ये सब बैनाथ पासवान समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अब भाजपा सरकार 5 साल में कोई भी भाजपा वाले आकर एक भी काम गिना दें तो मैं अभी अपने राजनीति को इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा ही है और सपा कह रही है कि हमारा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसका उद्घाटन सबसे पहले कौन किया था उनसे पूछिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव अखिलेश यादव ने किया था। आगरा एक्सप्रेस वे जिसमें उन्होंने विमान उतार के दिखा दिया कि यह कार्यकाल और क्या हुआ, अभी पूर्वांचल से 12 इंच उसमें कम है, 12 इंच उसमें अभी कम है पूर्वांचल से, अभी नीचे से 9 वे रोड भी नहीं बनाया हुआ है। अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री होते हैं तो कब का बन के तैयार हो जाता है, अभी दूसरा रोड के लिए मांग चली होती है। रानीपुर से आप देखेंगे मऊ तक मिलाने वाला काम माननीय बैनाथ पासवान ने करवाया है। ओपी राजभर का नाम है कि बीजेपी से 100 विधायक अभी आने वाले हैं। 100 विधायक नहीं, ओपी राजभर तो भी सही बात है,
और पिराज में तो लगातार लाइन लगी है बीजेपी वाले। पहले ये किसी बीजेपी वाले का कार्यकाल मऊ जिले में होता था, आज हम लोग सभी समझवा दे, हम लोग के घर पुलिस आए थे, हम लोग को बाहर नहीं निकलने देता है। आज ये भाजपा सरकार बीजेपी वाले विधायकों के घर आर्मी वाले लगवा रखे हैं कि ये समाजवादी पार्टी में मिल ना जाए। ये बीजेपी वालों के तो ओपी अभी तो प्रदेश उपाध्यक्ष जी आने वाले हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी में सस्ता ग्रहण करने वाले हैं, जल्द ही आपको न्यूज मिलेगी। आपका पति राजा जी, आपका पति विनय सिंह। 2022 में किसी साथ चाहते हैं बीजेपी की आएगी, चार्जेस क्या होगा? आनी तो बीजेपी की है, बीजेपी की आएगी। पांच कार्य गिना दीजिए जो यहाँ के अहमदाबाद के बीजेपी के भाई साहब का, बीजेपी की श्रीराम सोच बीजेपी कार्य गिनाने लग जाए तो भैया दिन निकल जाएगा। ठीक है ना, आपको नहीं दिख रहा सबसे बड़ी चीज, हर आदमी अपने जो भी धंधा कर रहा है सुखी शांति से कर रहा है, न कोई लड़ाई झगड़ा, न किसी दंगा, न किसी का डर। हर आदमी जहाँ जाना चाह रहा है मर्जी से आ जा रहा है, न इनको डर है किसी से, न किसी को किसी से डर है। पहले हर लोग किसी को डर होता था, कोई धंधा करने जाता था चार लोग पीछे लग जाते थे, आज वो सब कुछ भी नहीं है। मोहम्मद मुर्तजा, ब्लॉक अध्यक्ष, पीस पार्टी, मोहम्मदाबाद गोहना। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और सपा? भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? जितने लोग हैं समाजवादी है सबकी गठबंधन का हिस्सा बनाया है, आखिर जो 20% जो मुस्लिम समुदाय ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? जो है जाट हैं उनको गठबंधन का हिस्सा बना लिया, राजभर उसको गठबंधन का हिस्सा बना लिया, सबको गठबंधन का हिस्सा बना लिया, ये 20% जो मुस्लिम आबादी जो 20% है वो कहाँ जाएगी? ये उसी तरह बेवा का माल समझ लिए, दे दिए, ऐसा क्यों होगा? जातिवाद पे ही वोट? नहीं, जातिवाद नहीं, जातिवाद लोग कर रहे हैं, हम थोड़ा कर रहे हैं। तो क्या अगर मुस्लिम को टिकट नहीं मिलता तो क्या आप लोग वोट? नहीं, मुस्लिम टिकट बात नहीं, मुस्लिम टिकट 67 विधायक जो है समाजवादी में 2012 में जीत के गए तो सब गुलाम थे। तो क्या मैं आप सपा से खुश नहीं, सपा को नहीं चाहता? सपा कैसे खुश रहेंगे भैया, जो भाजपा से निकल के आ रहे समाजवादी स्वागत कर रहे फुल श्रीराम सोनकर रहे हुए 5 साल का कार्यकाल, श्रीराम सोनकर बात सुनिए हमारी, बात नहीं कुछ नहीं। अगर भाजपा श्रीराम सोनकर है या समाजवादी बैजनाथ पासवान, कोई किसी का काम कोई नहीं हुआ है, उसमें दिक्कत क्या है? श्रीराम सोनकर 5 साल हो गए और सपा, अरे इसके पहले भी श्रीराम सोनकर थे। बीजेपी जो है बार बार कार्ययोजनाओं गिना रही है, विकास हमने बहुत किया। हाँ, विकास यही किया, विकास यही किया, नहीं नहीं विकास का मैं बता रहा हूँ, विकास क्या किया ना बीजेपी, क्या विकास किया? खेत में चले गए, बगल में घूम रहे हैं, सबके किसान जो है फसल उगाई कर रहा है, इतनी मेहनत से खाद लगा रहा है, हर चीज लगा रहा है, उसको नुकसान कर रहा है, यही विकास हो रहा है। अगर इस बार किसकी सरकार चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जो है मिली जुली सरकार बनेगी, पेवर किसी की नहीं बनेगी। इस बार खिचड़ी की सरकार बनेगी, खिचड़ी की सरकार बनेगी, पेवर नहीं बनेगी। जो भाजपा से निकल के समाजवादी फूल वाला में लेकर तैयार है कि हाँ आइए हम आपका स्वागत कर रहे हैं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, क्या बोले थे? 3-3 शादियां करते हैं मुसलमान हवस मिटाने के लिए। मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार किया जाएगा, वो भी सपा ज्वाइन किए, कहाँ बोल रहे हैं आप, कहाँ हैं आप? इसका मतलब है कि अब सपा की सरकार हमको किसी की सरकार बने, सरकार जो है जो मिली जुली सरकार बने, खिचड़ी सरकार, पेवर किसी कोई नहीं आएगा। जो बोल रहे हैं योगी जी 350 सीट नहीं बोल रहे हैं, करुआ तेल बोल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तो शिवचंद है भैया। 2022 में किसको चाहते हैं, किसकी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी? नहीं भैया, सामान तो सपा वाला है। सपा में क्या खासियत दिख रही है जो आप सपा की? सपा ऐसा गरीबी लिए ना करी, एकदम गरीबी में मार डाल। 2022 में सपा का आएगी सरकार, बीजेपी से आप खुश नहीं है? ना ना भैया, श्रीराम सोनकर भी विधायक रह चुके हैं 5 साल, यहाँ के श्रीराम सोनकर विधायक रह चुके हैं 5 साल का कार्यकाल हो गया और कोई विकास नहीं दिख रहा है। 5 साल हो गए, एक बार तो उन लोग कब ना कहना तो विकास का देखते हैं। अगर वो फिर आते हैं, उनको टिकट मिलता है फिर वो आते हैं क्षेत्र में, तो उनको एक भी एको ना विदाई हो जाए उनका? ना भैया। चाची का नाम? विश्वनाथ, और 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश सरकार जिंदाबाद। अखिलेश में क्या खासियत दिख रहा है? हमको ये खासियत जिंदाबाद देख रही है कि हमको महंगाई नहीं है,
इतना महंगाई 210 रुपया किलो कड़ुआ तेल हो गया, 105 रुपया किलो ये पेट्रोल हो गया। हम रास्ता चलने के लिए बेहन है, कौन देगा? सरकार तो राशन फ्री तो दे रही है। अब फ्री दे रही है, 5 दिन चलेगा, फिर 5 दिन के बाद किससे मांगने जाएंगे? क्या मोदी सरकार से मांगेंगे? फिर सरकार हमको दोबारा देगी क्या? श्रीराम सोनकर विधायक रह चुके हैं। वो विधायक वो नहीं, वो तो जाते हैं बड़के बाबू के यहाँ। किसी ने उसको, आप चुप रहिए, आप मत बोलिए, घबरा मत जाओ। वो जाते हैं बड़के बाबू के यहाँ, जिसके पास 50 बीघा खेत है और जनता बहुत भारी है, तो हम क्या है, बाबू के दबाव में रहेंगे? तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी अखिलेश सरकार जो है हमको सुखी है आवे। इसके पहले भी 2017 के बाद सपा सरकार के यहाँ बैजनाथ पासवान विधायक रहे हैं। हाँ, उनका भी धरातल पे कोई काम तो हमको नहीं, हमको मकान मिला है 3,05,000 का। कब मिला है? 2014 में। तो हम उनको मारेंगे कि इनको मारेंगे? आवास मिला था या क्या? आवास मिला है। हम देवरिया जनपद के सदर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर चुनावी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे कि जनता की क्या राय है। आपको बता दें कि यहाँ चुनाव का जरूर बच चुका है और कुछ शेष महीने बचे हैं चुनाव आने में, और बता दें कि यहाँ पर लोग वोट देने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और हम जानेंगे कि उनसे उनका मत क्या है, अब की बार किसकी सरकार बनेगी। इसी मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं और आपको प्राइम टीवी के माध्यम से अपडेट देते रह रहे हैं। आप किसकी सरकार बनेगी, आप किसको वोट करेंगे, सपा को करेंगे या मतलब किसी के नहीं कहते, वोटे नहीं कहते सपा भाजपा सपा कांग्रेस जैसी बिजली अखिलेश कहते हैं कि हम फ्री देंगे, जब पैसे से 3 साल 5 साल बिजली नहीं दी है लेकिन गर्मी कहाँ से देंगे? जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मोदी जी का किसकी सरकार बनेगी, मोदी जी ने विकास किया, मोदी जी की बनेगी, मोदी जी आएंगे बीजेपी नहीं आएगी, नहीं बीजेपी नहीं, बीजेपी लाना ऐसा है मुद्दे को लेकर हमको भरोसा करेंगे, विकास तो हुआ है बाबू विकास के मुद्दा पर या भारत के बारे में, देश के बारे में और क्या चलिए भैया आगे बढ़िए, आगे बढ़ भैया, यहीं कोरोना हो जाएगी। मैं साइकिल को वोट करूंगा, मैं अखिलेश को मानता हूँ, भारतीय अध्यक्ष को सपोर्ट करूंगा, मैं चाहूंगा सब किया 15 रुपया 15 दिया पार्टी को लूट लिया, ये बीजेपी का काम है। आप सपा वोट करें? मैं सपा वोट करूंगा, मैं सपा ही हूँ। भाई साहब ने बताया कि मैं सपा वोट करूंगा, यहाँ पे कई लोग हैं साइकिल जब नोटबंदी बंद हुई, जब नोटबंदी हमारा जो ध्यान है वो हम आपको कैसे बोल,
देवरिया का मुख्य मार्ग कहा जाता है, मुख्य सब्जी मंडी कहा जाता है यहाँ। अरे फूल के बोल रहा, आलू के देवा की गोभी के देवा हुआ तो पूछल चाहता था ना, बोलने में क्या लगा हमारे भाई। कांग्रेस और भाजपा का सामने नहीं आ रहा था, आपकी मुझे किसी प्रकार बदलती बाबा सपा भाजपा आप किसको करेंगे? बोला सिर्फ मोदी जी को जिताएंगे, इनसे जानेंगे किसकी सरकार आपने बताया कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, और आपको बता दें कि हम इस समय देवरिया जनपद के सब्जी मंडी में मौजूद हैं और यहां पर लोगों से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। इसी के साथ मैं प्राइम टीवी के साथ पल पल की अपडेट आपको दे रहा हूँ। लोग तो बता रहे हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है तो विकास भी तो हुआ है, विकास भी तो हुआ है, वो सब भी तो देखना पड़ेगा। भाई साहब का मानना है कि हम बीजेपी को वोट करेंगे और भाई साहब यहाँ हम समाजवादी वोट करेंगे। बीजेपी ने विकास नहीं किया, भाई साहब ने बताया कि बीजेपी ने काफ़ी विकास किया है, तो भाई हम पहले से ही समाजवादी वाला है। यहाँ पे एक बाबा जी हैं सब्जी बेचते हुए, आप मोदी सरकार से खुश हैं? जैसा कि बाबा ने बताया कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, उनसे जाने की भाजपा की सरकार है। लोग बता रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई का महंगाई बढ़ रही है, महंगाई किसकी सरकार बने केंद्र में मोदी ओके साहब मौजूद हैं, इनसे जाने वक्त साहब तीन मुद्दे पर करके किसकी सरकार बनेगी? मोदी तो एक नहीं है, योगी नहीं है। क्या ये बीजेपी ने विकास नहीं किया? कोई का विकास करना चाहिए नहीं, सारे पब्लिक जो है आनर्स लगा कर ऊपर आ गए हैं, आम जनता जो है खाने पीना तरसता है। जैसा कि बाबा बीजेपी से काफी निराश चल रहा है, घर खाए के भजवादी है, वो किल सा है सबसे ईमानदार मोदी अब फिलेश है, तो घर खर खाना भेजवाई है, विकास नहीं किया है, घर खर्चा बचवाई है। अगर खाना खाना भिजवाएंगे, खाना बढ़िया तरह से भिजवा देंगे, मोदी जी का वोट है। पटरी व्यवसायी है, उनसे जानते हैं कि महंगाई क्या है और क्या सरकार से खुश है ना खुश है। केंद्र में मोदी जी है, उनका क्या हुआ है? अच्छा हुआ है, उनका कार्यकाल अच्छा रहा। बिल्कुल, एक दुकानदार साहब और हैं, उनसे जानते हैं कि भैया ये क्या रेट है आपके? 40 रुपया। महंगाई ठीक है? एक भाई साहब और हैं, उनसे जानते हैं भैया किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी आएंगे, लग रहा है आ जाएंगे। और एक दादा यहाँ कल आपको बता देंगे, कल मकर संक्रांति है, भैया पूजा बेचने में व्यस्त है, इससे हम बाद में बात करेंगे।
कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।